अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम और फजल है, रहमत है उसकी। आज हम लोग आए हैं पेंडरोसा तो ये हमारे घर के पास है हैकमन वाइड में। तकरीबन 11 मिनट लगे इधर पहुँचते पहुँचते। और ये आप देख सकते हैं ये जगह सारी, ये पीछे मेरे सारा ज़ू है, लोग घूम फिर रहे हैं और ये अच्छा खासा बड़ा है। तो अब मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ कि इधर है क्या। उसके अलावा हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, रोशनी आंखों में लग रही है, बड़ी शदीद है। ये देखें, ये कोई केज बना हुआ है पर ये एम्प्टी लगता है, ये स्टार्ट में ही है एक, और वो उसके साथ कैंगरू बैठे हुए हैं सामने, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, अच्छा ये कैंगरू का ही है हुड। ये देखें कितनी शराफत से बैठे हुए हैं, तीन हैं, ये एक वो रहा, दो वो बैठे हैं सामने, एक ये बैठा हुआ है, एक ये रहा, और दो ये बैठे हैं, एक और एक दो। और ये देखें घोड़े भी हैं इधर, लोग हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, तो गुजर गए। क्या बात है कि आप देख सकते हैं। तो अब हम उधर जाने लगे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। ये देखें जी सामने रेप्टाइल्स हाउस है और अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये देख सकते हो ऊपर जगह सारी कितनी प्यारी लग रही है, और अब हम अंदर जाएंगे। और ये देखें जी ये क्या है, मीरकट। पीछे बंदर से अभी जाके हम देखते हैं, उधर भी उधर से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, सारे मुड़ के देख रहे हैं। ये देखें जी ये इनका होड अंदर बनाया हुआ है और अच्छा लग रहा है, क्या बात है। तीन तीन नज़र आ रहे हैं, एक दो तीन। ये देखें ये आए, वो पीछे खुदाई भी कर रहे हैं साथ साथ। मीरकट पता नहीं ये क्या, मीरकट। चलो जी, और सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है साथ के। प्लीज़ बी क्वाइट अराउंड दिस एनिमल्स। हाँ ये देखें अब इधर क्या है, पता नहीं, ये तो खाली लग रहा है ना, अंदर चिड़िया है। नहीं ये तो चिड़िया बाहर से आई होगी, इधर कुछ और होगा या खाली है, पता नहीं इसमें क्या है। इधर भी साउथ अमेरिकन खाते नोसा पता नहीं क्या है ये, और ये नज़र नहीं आ रहे ये किधर हैं। ओए ये देखें ये जो कांटे मारते हैं, ये देखें जी ये तो ओपन ही है ये कांटे, और इसको क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आता, इधर लिखा हुआ होगा अफ्रीकन क्रिस्टेड पोर्क्यूपाइन। ये देखें जी और ये खुले हुए हैं, यानी कि आगे पीछे जाके देखते हैं उधर क्या है। और ये देखें ये समझ से बाहर है, ये क्या है, ये बंदर ही लग रहा है शायद। वो देखें वो भी ऊपर बैठे हुए हैं, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ये ना 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 बस कर, पर ये बहुत ही छोटा है, एक पूरा चार पांच है इसके अंदर, यानी कि करीब जाने से मना किया गया हुआ है। और प्लीज़ कीप योर फिंगर्स आउट मे बी बाइट। अच्छा ये चक मार लेते हैं, पीछे रहो जी लिखा हुआ है। तो ये देखिए ना जी अजीब सा, ये देखें अजीब से हैं, समझ से बाहर है। तो गाइस ये आपने देख लिया, और ये एक केज खाली है, तो अमेरिकन खोती है पर ये एम्प्टी है। तो अब हम उस साइड पे जाने लगे हैं और देखते हैं हमें क्या नज़र आता है आके। और ये देख सकते हैं कि आइसक्रीम का है इनका अंदर वॉल्स, की आइसक्रीम इन्होंने रखी हुई है, एंट्रेंस होली लिख के लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कहाँ गया। और ये कॉफ़ी शॉप भी लिखा है, ये देखें ड्रिंक्स वगैरह की प्राइस वगैरह लिखी हुई है। और आगे चलने की बारी आ गई, ये हुड देखें कितना प्यारा है, क्या बात है, बच्चों के लिए बनाया हुआ एक किस्म का। अंदर जाओ ऊपर चढ़ो और ऊपर से फिर बाहर आ जाओ, नाइस है ना ये।
और ये बैठ के खाने के लिए जगह बनी हुई है, टॉयलेट्स आ गए। खैर, और अब हम देखते हैं साथ साथ, जगह तो बड़ी प्यारी है। ये देख सकते हैं अफ्रीकन ग्रे, ये एक ही नज़र आ रहा है। हाँ ये एक ही है, ये अफ्रीकन ग्रे आ गया। ये बूढ़ा लग रहा है, 3 4 5 साल का होगा ये, क्योंकि उसकी एज बता रही है। आंखें जितनी छोटी हो जाएं उतने ये बूढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या है, इसका नाम लिख के लगाया हुआ है कि नहीं, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, ये बीमार लग रहा है, मुझे इसका नाम नहीं पता। एक वो पीछे भी है, इसमें ग्रीन है, ग्रीन नेक वाला है, रिंग नेक तो नहीं है वो। हाँ इस पर लिख के लगाया हुआ है पिंक ग्लाश ऑरेंज विंग अमेजोन। अच्छा ये रहा अमेजोन, वो पीछे एक कॉकटेल है वाइट वाला। वो कॉकटेल है, वो अमेजोन है, और क्या बीच में, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं साथ साथ। ये क्या है इसके अंदर, बैरन आउल आउल, खाली लग रहा है, ये खाली लग रहा है। आउल शाउल तो कुछ भी नहीं है। ये अंदर जाने का रास्ता है जिधर से जाके खाना शाना डालते हैं। ये भी आ गए अमेजोन के, दो हैं, एक ये ऊपर है सामने और एक वो रहा, तीन है। अच्छा एक दो तीन, क्या बात है। जू, ओ ये देखे ना, इसके कार्टून भी बने हैं। क्या नाम है इसका, मैडागास्कर में। तो बदबू तो बहुत आ रही है इधर से। ओह ये चार हैं इसमें, ये चकशक काट लेते हैं उंगलियों पे, इसलिए इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं। चार नहीं है ज़्यादा, बल्कि केज बड़ा है। ये वहाँ से शुरू हो रहा है केज, ये जाई जा रहा है, ये जाई जा रहा है, ये आगे तक इन्हीं का केज है, वहाँ से लेके ये वहाँ तक सारा इन्हीं का केज है। अब वो आ रही है, ये आप देख सकते हैं खुली डुली जगह है, ये जू है। क्रोकोडाइल भी है, ओह माय गॉड, नो द फिश, ओह दिस आर द फिश। और ये देख सकते हैं ये मछली मुझे लग रही है, मुझे ये देखें जी, ये मछली है, पर मुझे जो ये, हाँ ये सारी मछली है, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ खाने के लिए ऊपर आ गई हैं सारी। ये वो हैं कोई कोई हैं सारी, शायद नज़र आ रही हूँ आपको, क्योंकि पानी गंदा है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कोई हैं, अच्छी खासी बड़ी। ये ऑरेंज एक आई है कोई, तब पता चल रहा है। ये देखें पानी बहुत गंदा पानी हुआ हुआ है, ये इतनी बड़ी जगह है। वो सामने उधर पीछे पिग भी है एक, जाते हैं अभी उधर भी जाएंगे अब। ये देखें मछली, ये सारी कोई हैं, सारी एक ही साइज़ की, बड़ी बड़ी तालाब में। ये पीछे भी जगह बहुत अच्छी माशाल्लाह लग रही है, जाते हैं अभी। ये देख सकते हैं डीप वाटर है, फिर उसके बाद ये हम वहाँ से आगे निकल आए। कितनी प्यारी जगह लग रही है बैठने की, खुली डुली जगह। ऊपर भी कुछ है, जानवर शानवर रखे हुए, तो ऊपर भी चलते हैं। ये रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्या बात है, जगह तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। ये ग्रीनरी ग्रास अपना ही मज़ा देता है, अपना ही पुरसकून है, क्या बात है। अच्छा ये ऊपर जो है रेस्टोरेंट है, और शायद ऊपर कुछ हो उसके अलावा भी, देख लेते हैं चढ़ के। ये एग्जिट ओनली है, हाँ ऊपर खाली रेस्टोरेंट है। अब हम वापस नीचे ही जा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। ऑलराइट, उधर भी बहुत कुछ है, पहले हम इधर सो लेंगे। देखें झूले भी बच्चों के बनाए हुए हैं, पर मुझे जो सुकून ग्रीनरी में जाके मिलता है ना, एक अपना ही, पता नहीं किधर रास्ता जा रहा है। हमने कहा इधर पीछे भी जाके देखते हैं ये क्या है। ये देखें जी, ये तो जंगल है बहुत बड़ा, क्या बात है। ओए
इन्होंने बैरियर लगा के रास्ते बंद किए हैं साइडों पे। वो मुर्गी लग रही है मुझे एक तो। और ये क्या, बम बम बम, पता नहीं इसका क्या नाम है, फॉक्स टाइप की कुछ लग रहा है। नाम शाम तो नहीं लिख के लगाया हुआ। एक्शन कितने प्यार से दे रहा है। ओ ये देखे ना इधर, ये आया ना बारह सिंगा, ये क्या आया, ये देखे ना, पूरी बीमार बीमार लग रहा है। हिरन है, बीमार बीमार लग रहा है, एक ही है हिरन। अच्छा ये ऊपर तक इनके पास जगह है, लेकिन जिस्म से बाल झड़ गए हैं इसके, बीमार बीमार है ये, एक ही है, समझ में नहीं आई। और भी होने चाहिए थे फिर तो। आगे जाके देखते हैं, पता चलता है हमें। तो ये इसका हुड देख सकते हैं आप, शेड बनाया हुआ। वो वापस ऊपर जा रहा है, कहाँ गया वो सामने, गया क्या चिकन थिंग, चिकन थिंग। तो गाइस जब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं हमें आगे क्या नजर आता है। ओ ये तो एक शिप आ गई, बोट आ गई बड़ी सी, जिप लाइन। ओ बच्चों की स्लाइडिंग बनी है उससे, और पता नहीं क्या है, पर ये बंद हुआ हुआ है कि क्या है। ये वाला टेम्परेली एम्प्टी है, तो इसकी मेंटेनेंस होगी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए इसी तरह है सब कुछ। ये भी शायद बंद किया हुआ है। आगे पता नहीं किधर जा रहे हैं हम। और ये देख सकते हैं इसका एंड जो है वो यहाँ से बंद है, ये वापस ही अंदर जाना पड़ेगा। इतना कमा के इसके लिए इधर भेजा मैं। और ये देख सकते हैं ये उस साइड पे हॉर्स राइडिंग वगैरह हॉर्स मुझे नज़र आए थे, और ये इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र दिया हुआ है, हैंड सैनिटाइज करने के लिए। क्या बात है, ये देखें जी कितनी प्यारी जगह लग रही है। और ये बैठने की जगह भी हैं बीच में, घर से खाना ले और इधर बैठ के खाओ। अब हम तो नहीं, मैं तो नहीं लाया, छोटी लाई है चॉकलेट वाला सैंडविच, जो भी मैं बैठ के खाऊंगा, भूख लग गई है मुझे बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ चले जा रहे हैं। और ये क्या है, ये हैंड वॉशिंग की जगह दी हुई है, हैंड सैनिटाइजिंग स्टेशन, क्या बात है। स्लाइड बनाई हुई है बोर्ड पे बच्चों की, अंदर से देखते हैं कितनी सफाई सफाई नहीं हुई हुई है, काफ़ी टाइम हो गया। पार्टशिप रूल्स, बी केयरफुल, क्या बात है। अबेंडेंड, इसमें भूचूत आ गए होंगे, ये देखें अब हम ऊपर भी आ गए, क्या बात है। ये सेकंड फ्लोर आ गए। ओ मैं भी शिप पे आ गया हूँ आज तो, क्या नज़ारा है। और दूर शूर का कोई नज़ारा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये ऊपर तो और कुछ भी नहीं है, अब वापस हम नीचे जा रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल कमिंग डाउन द स्टेयर्स। चलो आज हमने बोट की भी सैर कर ली, उस साइड स्लाइड है, ये साइड खाली है। अब हम वापस जा रहे हैं, ये रास्ता यहाँ से बंद है आगे से, तो इसी साइड से अब हम वापस जाएंगे। तो इधर से मैं छलांग मार के इधर आ गया हूँ, पर अब हम आगे जा रहे हैं हम वापस। ये रेकॉन डॉग्स हैं, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे इनकी, मुझे पहले नज़र नहीं आया था, अभी नज़र आया, ये रेकॉन डॉग्स। नहीं आवाज़ निकाल रहे। हम वापस आ गए इधर से, और ये आप देख सकते हैं इस साइड पे हमारे पानी का था वो, और जो ये उस साइड पे आया था खुले हुए। अच्छा इनके पास इतनी बड़ी जगह है, ये वहाँ तक आए थे। हिरन एक बारह सिंगा है, एक दो तीन चार, चार हैं, पर चारों बीमार बीमार लग रहे हैं। वो उतर रही है इसके ऊपर से, झाड़ा ना इसने अपने आप को। अच्छा रेंडर,
ये जीन की तफसीलात डोमेस्टिक पे। अच्छा, इनके साथ इधर बीच में पिग भी है शायद, इनकी पिक्चर तो इन्होंने दी हुई है। एक ऊपर चला गया, अंदर भी है, एक अंदर है, एक वो ऊपर है, एक वो बाहर है। ये जो अंदर है ना वो तो पिग है। ये देखें जी, ये खाना डालने आया बंदा, और ये किस तरह सारे सामने आ गए जू कीपर। इज द मास्टर पिग। इसने लॉक किया पहले। ये देखें जी, क्या बात है, पिग देखें कितना मोटा है। उनकी वो सब की रूटीन बनी हुई है कि किधर किस तरह सबने खाना है। अच्छा, पिक को अंदर डाल के देते हैं क्योंकि वो गोश्त वगैरह खाता है, और जो बाकी है ना तो इनको डिफरेंट देख सकते हैं। क्या बात है, उधर ही नहीं जाने दे रहे। चलो जी, अच्छे खासे भूखे हैं ये तो। अच्छा, हम वहाँ से निकल रहे हैं, इधर आगे आ रहे हैं, ये पानी जा रहा है देखें, नहीं भी जो अंदर पानी जा रहा है वहाँ वहाँ यहीं से जा रहा है। ओह, ये देखें बच्चे ट्रायल ले रहे हैं। ओ गई, ओ उठा, लगी नहीं है इसको, क्या बात है, रोलर राइडिंग है, क्या बात। ये क्या है, ओ ये भी खाना मांग रहे हैं, खाना दो हमें, क्योंकि इन सारों को पता है जी खाने का टाइम है, ये खाने की वजह से इस तरह। इनको क्या कहते हैं, इनका नाम कहीं ना कहीं लिखा होगा इधर। और ये ऑटर्स खिलाते हैं। अच्छा, ये भूख की वजह से इधर वापस आ रहे हैं, टू टू आवाज़ें मार रहे हैं। ये देखें मच्छी खा रहे हैं जी। तीसरा कहाँ गया, तीसरा, वो उधर पानी में लेके आ गया, देखें सबसे अलहदा, वो उसको पता कोई और छीन लेगा। और ये देखें जी आगे क्या है, पता नहीं आगे क्या है, इसमें ये भी ऑटर है। This is a big otter. हाँ, इसको तीन मछलियाँ डाली गई हैं। और इधर क्या है, पांडा भी है, ये फॉक्स है शायद, इधर पांडा नहीं है, कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, नजर नहीं आ रहा कहाँ गया, देखनी पड़ेगा। वो ये फॉक्स ही लग रही है, जैकल है या फॉक्स है। मछली डाली जा रही है इनको खाने के लिए, क्या बात है, फॉक्स है शायद। और ये जो उधर हमने छोटे छोटे देखे थे वैसे ही हैं। ये देखें ये मुंह पे हाथ मार रहे हैं, ये भी चक काटते होंगे उंगलियों पे आपकी। और इनको भी खाना डलने की बारी आ गई। इसमें क्या है, ये एक ही का है, ये एक ही का इतना बड़ा है। प्लीज डू नॉट फीड दीज एनिमल, दे आर ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, थैंक यू। ओह, डाइट प्लान बहुत अच्छी, जगह जगह लिख के लगा, प्लीज़ बी क्वाइट अराउंड दीज एनिमल एज यू मैनी फ्राइटिंग देम, थैंक यू। ख्याल करना पड़ता है। इधर पता नहीं क्या है, इधर बिल्ली देखें, ये देखें जी बिल्ली आई है, ये कौन सी बिल्ली है, बीच एरिया एंड प्राइवेट शिप्स। अच्छा जी, ये वाइल्ड कैट, स्कॉटिश वाइल्ड कैट, देख सकते हैं कैट, इन्होंने पता नहीं क्यों अंदर, ये स्कॉटिश कैट है, इसमें कुछ ना कुछ होगा वजह। ये देखें जी, ये चूज़ा खा रही है, अब यहाँ से उसने उठाया है, और वो दूसरी उधर बैठ के खा रही है। नज़र आने दें,
अब नज़र आ रही है, एक वो अंदर बैठ के खा रही है एक चीरी। ये हमने जिधर से शुरू किया था ना, अभी हम उधर ही पहुंच गए, पर हम ये रेप्टाइल्स में जा रहे हैं तो इसकी एंट्रेंस इधर है, एग्जैक्ट उधर से। और कैमरा जूम आउट हो गया, पता नहीं बंद हो गया शायद। और ये है ड्रॉप खाइमान खाइमेन, और दो हैं, एक वो है एक हीरा और एक हीरा, ये दो हैं। और ये जो है ब्लैक स्पिनी टेल्ड इगुमा, ये उसके अंदर है वो कौन सी जुरासिक वर्ल्ड के अंदर ये है, और वो देखें पीछे दो टर्टल्स भी हैं, बड़े टर्टल्स। और अब हम ये देखते हैं कि क्या है, रेड फुट टर्टल। अच्छा जी, ये रहा जी स्नेक, एक स्नेक ये रहा, एक वो बैठा हुआ है, और कौन है, दो ही हैं। चलो जी, एक वो रहा और एक ये रहा। ये है ट्रीबो मुगलेशी, पता नहीं ये क्या है, और ये भी स्नेक ही है, कहीं ना कहीं होगा अंदर। हाँ, इतना कुछ है, जंगल बनाया हुआ है तो जंगल में ही होंगे। फिर उसके बाद जी ये कीड़े मकोड़े हो गए बच्चे। Look at that little orange thing in the leaves. ये आ गया वो रही कोई चीज। ओ ये तो गोल्डन मेंटीला है, ये देखें फ्रॉक। फ्रॉक है? डाउन डाउन इज द फ्रॉक, दिस ब्लू, ये भी ऊपर वाला भी फ्रॉक है, ये ब्लू है, ब्लू मेंटीला है, ये भी कहीं ना कहीं होगा नजर आ जाए तो। और ये देखें जी, ये रही स्टैंडिंग डे जैको, और वो रही सामने ये लिजर्ड, इतनी बड़ी लिजर्ड है चिपकाने वाली। ये देखें जी, वो जो जुबान नहीं मारती, आमन 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 आमन, और ये ऊपर भी है आमन। और एक ये भी है साथ ही। इसमें क्या है, ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी ऊपर से तो नहीं गिर रहा, ये दरख्त से चोर है पानी। अच्छा, ये पीछे इन्होंने पानी लगाया हुआ किसी वजह से, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो पानी आ रहा है। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा, ये पता नहीं कहाँ है, ये है इसमें ब्लैक ट्री मोनिटर है, वो नहीं नज़र आ रहा। इसमें जो है, इसमें भी कोई टोटल है, और ये पैनकेक टोटाइज है, पता नहीं किधर है, नज़र तो नहीं आ रहा। खैर, पीछे खुडे शुडे में होगा या आगे पीछे होगा, ये देखें। अब हम आगे जा रहे हैं, अब ये बाहर जाने का वापसी का रास्ता आ गया, इतनी बड़ी जगह ये बनाई है। अब हम बाहर आ गए और वापस ऊपर जाने लगे हैं, और एग्जैक्ट दिस वे है ये, ऊपर पता नहीं किस जगह पे जा रहे हैं, और अभी हम जाएंगे और फिर देखते हैं। इसमें कैंगरू की जगह आ गई, कैंगरू क्रीप से देखने के लिए, क्या बात है, ऊपर जाने के लिए पता नहीं इसमें इधर उधर क्या है। अच्छा जी, ये कैंगरू के हम पास तो आ गए, देखते हैं पास से क्या नज़र आता है। बैठे हैं किधर, मज़े से बैठे हैं, खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये वॉलब भी हैं, कैंगरूज नहीं है, क्योंकि ये उसके बिल्कुल बाहर लगा हुआ है साइड पे, हम दो साइड से आए थे। ऊपर पता नहीं क्या है, ऊपर भी जाके देख रहे हैं। हम तो नहीं अंदर जा रहे, हम तो बाहर ही घूम रहे, हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है, एक गाड़ी रह गई है। चलो जी। अच्छा, ऊपर कुछ भी नहीं था, बस यही है वॉल भी। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, वो जो उधर खड़ी है। तो देखेंगे कि एक पार्टी रूम भी है, पार्टी रूम टू, और ये पार्टी रूम वन होगा, पता नहीं किसका पार्टी रूम है। ओके, ये पार्टी रूम वन आ गया, वो टू था, आगे तक रास्ता जा रहा है, पता नहीं क्या है आगे, और ये ऊपर भी पता नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है ज़ू के साथ, इस ज़ू में मुझे और तो कुछ भी नहीं नज़र आया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, काफ़ी खुली दुली जगह है,
और धूप भी लग रही है मेरी आंखों में। तो आज की वीडियो इधर ही इस जू के साथ पंडरोसा के साथ ख़त्म होती है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे आंखों में धूप लग रही है, चुभ रही है, तो क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इस तरह, काफ़ी टाइम के बाद इस तरह धूप में फिर रहा हूँ बाहर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।